Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss today in this lecture definition of contract and its valid essentials. You have to listen that all contracts are agreement, but all agreements are not contract. Therefore, क्वेश्चन अराइज होना नेचुरल है कि जब सभी कॉन्ट्रैक्ट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कौन से जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. इसका आंसर हमें 2H मिलता है. एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा करार जो बिल द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा है. इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें चाहिए. देयर शुड बी एन एग्रीमेंट प्लस दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इनफोर्सिबल बाय लॉ. यानी करार होना चाहिए और वो करार बिल द्वारा प्रवर्तनीय हो. अब क्वेश्चन क्या है, क्या एग्रीमेंट क्या है. सेक्शन 2E प्रोवाइड्स एवरी प्रॉमिज एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिजेज फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. प्रत्येक प्रॉमिज या कई प्रॉमिजेज जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन फॉर्म कर रही हूं एग्रीमेंट है. सेक्शन 2B प्रॉमिज की डिफिनेशन देते हैं. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिज. यानी जब प्रपोजल ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिज में कन्वर्ट हो जाता है. तो कहने का मतलब है एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड ऑफर. दस एवरी एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर फ्रॉम वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर. इट मीन्स एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. यानी एक पार्टी ने ऑफर दिया हो दूसरी ने एक्सेप्ट किया हो ये तो हो गया एग्रीमेंट. अब सवाल ये उठता है कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या है, बिल द्वारा प्रवर्तनीय क्या है. इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब ये है कि यदि एक पार्टी अपनी प्रॉमिज फुलफिल न करे तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के उसको अपनी प्रॉमिज फुलफिल करने के लिए कंपेल कर सके. वो है इन्फोर्सिबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सपोज कीजिए कि आपने जानकीपुरम में 50 लाख का एक फ्लैट खरीदने का एग्रीमेंट किया है, 20 लाख एडवांस दे दिया है और 30 लाख आपने कहा है कि सेल डीड के टाइम पर देंगे और 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने हमें आपका जो है वो सेल डीड करा लेंगे. इन 6 महीने के दौरान रेट बढ़ जाते हैं. अब वो सेलर जो है मना करता है कि हम नहीं बेचेंगे तो आप कोर्ट में जा करके 30 लाख दे करके जो रिमेनिंग अमाउंट दे करके कंपेल कर सकते हैं कि आपको जिस रेट में तय हुआ था वो सेल डीड करे. बिल द्वारा दूसरा उदाहरण है कि सपोज कीजिए आप ये कहते हैं सोहन से कि सोहन उससे 15 दिसंबर को आधा किलो जो है ड्रग्स जो है प्रोवाइड कराएगा 2 करोड़ में. सोहन 15 जो है दिसंबर को प्रोवाइड नहीं कराता है ड्रग्स तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं. नहीं जा सकते हैं ना, ये कंपेल नहीं कर सकते. ये एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि जो है इलीगल है. सेक्शन 10 जो है ये बताती है कि कब जो है कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या इन्फोर्सिबल होगा. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट
and are not hereby expressly declared to be void. सेक्शन को यदि पढ़ें तो इसके कई एसेंशियल्स निकलते हैं. पहला है, पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट. सेकेंड है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री. थर्ड है, द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. चार तो यही है एसेंशियल्स. इसके अलावा, इफ रिक्वायर्ड कंट्रैक्ट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड, देन कंट्रैक्ट मस्ट बी एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन आर रिटन एग्रीमेंट. तो फर्स्ट एसेंशियल है, शुरुआत हमारी होगी एक पार्टी ने ऑफर दिया हो, दूसरी ने एक्सेप्ट किया हो. दूसरा एसेंशियल यह है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है अनएक्सेप्टेड ऑफर होता है, तो एग्रीमेंट बना, उसके बाद वो एग्रीमेंट पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए. जो कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, उनकी जो है वो कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो, ये जरूरी है. तो सेक्शन 11 बताती है कि कौन से लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर हो, साउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, और किसी लॉ द्वारा उसे डिस्क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिक्लेयर किया गया हो. तो 18 ईयर्स के लोग जो है मेजर माने जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. माइनर द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो होता है. मोहरी बीबी के केस में प्रिवी काउंसिल ने इसको अब निर्धारित कर रखा है. इसको, इस केस को मैं कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्रीमेंट में डिस्कस करेंगे. सेकेंड है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री. सेक्शन 14 बताती है, कंसेंट इज फ्री इफ इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय क्वार्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15. उत्पीड़न द्वारा प्राप्त कंसेंट, जैसा कि धारा 15 में परिभाषित, उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई है, क्वार्सन से प्राप्त की गई है. अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर, अनुचित दबाव आई डिफाइंड इन सेक्शन 16, धारा 16 में परिभाषित, अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा प्राप्त की गई है. थर्ड, बाय फ्रॉड आई डिफाइंड इन सेक्शन 17, धारा 17 में परिभाषित, कपट द्वारा जो है प्राप्त की गई है. नेक्स्ट है, मिसरिप्रेजेंटेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 18, धारा 18 में परिभाषित, मिथ्याव्यपदेशन, दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई है. एंड लास्ट है, बाय मिस्टेक एज डिफाइंड इन सेक्शन 13-20 and 22. तो थर्ड है एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए. सेक्शन 23 में कहा गया है, ऑब्जेक्ट आर कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इन द फॉलोइंग केसेज, वेयर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, विधि द्वारा निषिद्ध है, वेयर इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, विधि के उपबंधों को विफल करने वाला करार है, डायरेक्टली प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन यदि कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट को परमिट करते हैं तो लॉ के प्रोविजन डिफीट होंगे, वेयर इट इज फ्रॉडुलेंट कपटपूर्ण है, वेयर इट इज इंजूरियस टू अनदर पर्सन आर प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की प्रकृति का है, मॉरलिटी के अगेंस्ट है, इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. तो ये 6 तरीके के एग्रीमेंट जो है माने जाते हैं कि कंसीडरेशन जो है और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाता है.
फिर है द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली टू बी वाइड. एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वाइड नहीं होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 जो है में वाइड डिक्लेयर किए गए हैं, वाइड हैं. 25 है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड. 26 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिजेज, विवाह के अवरोध, विवाह में अवरोध डालने वाले करार भी वाइड होते हैं. 27 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार में अवरोध डालने वाले करार भी वाइड होते हैं. एग्रीमेंट नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने वाले एग्रीमेंट भी वाइड डिक्लेयर किए गए हैं. सेक्शन 29 अनसर्टेन एग्रीमेंट्स को वाइड डिक्लेयर करती है. सेक्शन 30 वेजरिंग एग्रीमेंट्स, बाजी लगाने वाले करारों को वाइड डिक्लेयर करती है. और 56 है असंभव कार्य करने के करारों को धारा 56 जो है सुनिघोषित करती है. इन सब के बारे में डिटेल में जो है इनके टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.